लास्ट वीडियो में हमने अनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लिया था। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक टर्म आता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट। अब ये जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट होता है उसको हम आर क्यू से डिनोट करते हैं, बट बेसिकली ये है क्या, ये रेशियो होता है। किस किस का रेशियो? जितनी ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है और जितनी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है अपॉन वॉट, जितनी ऑटो आपने कंज्यूम किया है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉट, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, जो बाहर CO2 आपने निकाला है और वॉल्यूम O2 जितना आपने कंज्यूम किया है, दैट इज़ RQ। तो अभी कुछ सबस्ट्रेट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के रेस्पिरेशन में RQ कितना निकलता है, 1, फैट्स के रेस्पिरेशन में 0.7, ऑर्गेनिक एसिड के लिए 4। इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ लेट अस डिस्कस रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। सो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन टू फेजेस, दो फेजेस होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पहले हम देख लेते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही हम ब्रीदिंग बोलते हैं, वी कॉल इट ब्रीदिंग। हियर यू कैन मेंशन ब्रीदिंग। सो इसमें क्या होता है कि दो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो स्टेप होते हैं, एक होता है हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि वी टेक इन एयर, और इसमें क्या होता है एक्सपायरेशन में भी जो एयर है वो बाहर निकलती है, एयर एक्सहेल आउट। पहले इंस्पिरेशन का देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो डायफ्राम है लंग्स के नीचे, जस्ट एक डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होगा कि जो डायफ्राम की मसल्स हैं वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या, ये फ्लैट हो जाता है। अब जैसे ये फ्लैट होगा तो ये जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी और बाहर की तरफ मूव करेंगी, तो इससे क्या होगा कि अंदर का जो सर्फेस एरिया है वो क्या होगी, कैविटी क्या होगी, एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। द चेस्ट कैविटी एनलार्जेस, और जैसे ही चेस्ट कैविटी एनलार्ज हुई तो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और इसी तरीके से जैसे ही प्रेशर अंदर डिक्रीज होगा और बाहर ज़्यादा होगा तो बाहर से एयर क्या है, इट पुश्ड इनटू इनसाइड। तो पहले क्या होगा, पहले इसकी जो मसल हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये फ्लैट हो जाएगा। रिब्स क्या करेंगी, अपने आप को ऊपर मूव करेंगी और बाहर की तरफ, ताकि अंदर का एरिया जो है वो बढ़ सके। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स फ्लैटन्स, लोअर रिब्स आर रेज अपवर्ड एंड आउटवर्ड। उससे क्या होगा कि यहाँ की कैविटी बढ़ जाएगी, चेस्ट कैविटी इनलार्जेस, और इसी से क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर ऑफ लंग्स इज डिक्रीज्ड, ये डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ और बाहर बढ़ा हुआ होता है तो अंदर की तरफ एयर रश इनसाइड। नेक्स्ट इज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन अभी बताया मैंने आपको कि एयर एक्सहेल्स आउट इन दिस प्रोसेस। इसमें जस्ट इस प्रोसेस का उल्टा होता है। इसमें क्या होंगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, रिलैक्स होंगी उसके बाद जो चेस्ट कैविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो वापस से अपने डोम शेप में आ जाएगी और वो एकदम से जो चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अब एयर प्रेशर जो अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और बाहर कम, तो इस वजह से क्या एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी थ्रू नोज एंड ट्राकिया। नेक्स्ट जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है ह्यूमन बींग्स में वो कितना होता है, 18-20 पर मिनट, यानी कि 18-20 बार आप ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाला प्रोसेस है वो 1 मिनट में 18-20 टाइम्स हमारा होता है। अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो क्या है, वो बेसिकली वो है जो मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में बताया था। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में, क्या देने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए। तो फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, तो इंटरनल रेस्पिरेशन वो होता है जहाँ पर हमारा जो फूड है वो ब्रोक डाउन होता है, और वो ब्रोक डाउन होने के बाद वहाँ से क्या रिलीज होती है, एनर्जी होती है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि ओवरऑल पैसेज ऑफ एयर इन ह्यूमन कैसी होता है। पहले हमारी एयर नॉस्ट्रिल में आती है, फिर वो फैरिंग्स में जाती है। अगर आप डायग्राम चाहते हो तो मैं डायग्राम बना के दिखा सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रेदर मुझे लगा कि डायग्राम तो हम छोटी जूनियर क्लासेस में ही पढ़ते रहते हैं तो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको डायग्राम से बता दूंगी कि नॉस्ट्रिल, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब। वैसे आप अभी देख लीजिए, नॉस्ट्रिल से वो जाएगा फैरिंग्स में, फैरिंग्स के बाद वो जाएगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ब्रांचियल्स जो हमारे लंग्स में होती है ब्रांचेस। ब्रांचेस के एंड पॉइंट कहाँ होते हैं, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के बाद जो एयर है यहीं पर एक्सचेंज होने का काम करती हैं, फिर वो सेल्स में जाती है, और सेल्स से वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है ऑक्सीजन।